मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था, जैसे मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है, कि सच जब तक जूते के फीते बांध रहा होता है, झूठ तब तक आधी दुनिया का चक्कर लगा चुका होता है। डीएनए में हमारा अगला विश्लेषण उस झूठ पर ही है जो दुनिया का तो नहीं लेकिन सुबह से पूरे भारत का चक्कर काट चुका है। और ये झूठ अब भी किसी नेता के बयानों में, किसी टीवी चैनल या फिर किसी डिजाइनर बुद्धिजीवी के ट्विटर हैंडल पर तैर रहा होगा। आज सुबह से देश में एक अफवाह बहुत चर्चा में है कि सरकार ने संसद में विपक्ष की जुबान पर ताला लगा दिया है और एक ऐसी शब्दावली बना दी है जिसके बाद विपक्ष के पास संसद में सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। उसके नेता ना तो सरकार की निंदा कर सकेंगे, ना ही उनकी नीतियों की आलोचना कर सकेंगे और ना ही प्रधानमंत्री और मंत्रियों पर व्यक्तिगत आरोप लगा सकेंगे, क्योंकि जब वो ऐसा कुछ करना चाहेंगे तो उन्हें इसके लिए जरूरी शब्द नहीं मिलेंगे, ना तो हिंदी में और ना ही इंग्लिश में। दरअसल लोकसभा सचिवालय ने वर्ष 2021 के दौरान संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही से विलोपित यानी कि डिलीट किए हुए असंसदीय शब्दों की एक सूची बनाई और यह प्रक्रिया बहुत पुरानी है। मैं ये भी आपके साथ साझा कर दूं कि यह प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि इसे इसी साल तैयार किया गया है, यह प्रक्रिया वर्ष 1954 से लगातार चलती आ रही है और 2010 के बाद इसका वार्षिक जो है, जो मेरे पास भी है और मैं वो आपके साथ साझा भी करूंगा, कि उसको वार्षिक तौर पर अब बनाकर लोगों के बीच में रखा जाता है कि इन शब्दों को अब असंसदीय लिस्ट में शामिल किया गया। और इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि ये शब्द अब कभी इस्तेमाल नहीं होंगे। ये वो शब्द हैं जो वर्ष 2021 में संसद और विधानसभा की कार्रवाई के दौरान किसी खास विषय और विशेष संदर्भ में माननीय सदस्यों द्वारा कहे गए थे। स्पीकर के पास ये अधिकार होता है कि सदन में बोले गए किसी शब्द या किसी प्रसंग को वो असंसदीय मानते हैं तो उसे वो कार्रवाई से हटा सकते हैं, यानी उनके पास ये अधिकार है। और लोकसभा सचिवालय ने वर्ष 2021 की कार्रवाई में बोले गए ऐसे शब्दों की 50 पन्नों की एक लिस्ट लोकसभा की वेबसाइट पर अपलोड किया। इस पूरे मामले का सच्चा पक्ष क्या है वो बताने से पहले हम आपको इसका वो पक्ष दिखाएंगे जो झूठ से भरा है, जिसमें झूठ है। 50 पन्नों की इस असंसदीय शब्दों की सूची में से हमने शब्दों की दो सूचियां बनाई है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि भ्रम कहां था और कहां से फैलाया गया। इस सूची में तानाशाह, जुमला जीवी, विनाश पुरुष, तड़ीपार, जयचंद, बाल बुद्धि, शकुनी, अराजकतावादी और क्रूर जैसे कई शब्द हैं जिन्हें असंसदीय बताया गया है। आपको यहां याद दिलाने की जरूरत है कि ये शब्द संसद के अंदर कभी भाषण में तो कभी हंगामे के दौरान कौन इस्तेमाल करता रहा है, किसके लिए इस्तेमाल करता रहा है और किन संदर्भों में इसका इस्तेमाल हुआ है, इस पर फोकस किया गया। और अब हमने इन 50 पन्नों की सूची में से असंसदीय जो शब्द हैं, जो दूसरी सूची बनाई है, उसे भी आपको देखना चाहिए क्योंकि इन शब्दों में ज्यादातर वो हैं जो आम बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं। इन शब्दों में सीनाजोरी, दोहरा चरित्र, हड़पना, दलाली, संवेदनहीन, शर्मिंदा, विश्वासघात, भ्रष्ट, नाटक नौटंकी, पाखंड, ढिंढोरा पीटना और चंडाल चौकड़ी जैसे शब्द रखे गए हैं जो आप लगातार इनका इस्तेमाल सदन में होते सुन भी चुके होंगे। और इन्हीं शब्दों को असंसदीय बताया गया, उनका संदर्भ देखा गया है। एक बार आपको भी देखकर लगेगा कि भला इसमें क्या असंसदीय है। अगर किसी के डबल स्टैंडर्ड पर दोहरा चरित्र शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अगर संवेदना नहीं दिखाने पर संवेदनहीन शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? थोड़ी देर के लिए आम आदमी के मन में ऐसे सवाल उठने जायज हैं क्योंकि वो ना तो संसद का सदस्य है ना विधानसभा का, लेकिन वर्षों से संसद में बैठने वाले, उसकी एक एक प्रक्रिया को समझने वाले माननीय सांसद असंसदीय शब्दों को हटाने की प्रक्रिया से भला कैसे अनजान हो सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि विपक्षी दलों ने एक साथ एक सुर में इस असंसदीय शब्दों की सूची को समझने की बजाय इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया और यह नैरेटिव खड़ा कर दिया कि सरकार ने इन शब्दों पर बैन लगाकर आलोचना के आजादी का जो अधिकार था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। ये किताब है, ये मैं एक उदाहरण के तौर पर आपके बीच में लेकर आया हूं। यहां पे आप देख रहे होंगे 2016 लिखा हुआ है क्योंकि यहां पे असंसदीय शब्दों की एक पूरी सूची है।
ये किताब दरअसल 2010 के बाद हर साल ऐसी ही किताब पब्लिश की जाती थी, जिसमें उन तमाम शब्दों की सूची होती थी जिनका इस्तेमाल किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में यानी कि संदर्भ में किया गया जो गलत है, जो असंसदीय लगा, और उन्हें वहां से विलुप्त कर दिया गया यानी कि डिलीट कर दिया गया। और यही इस बार भी हुआ है। बीच में कोविड के दौरान 2 साल ऐसे थे जब ऐसे बुक पब्लिश नहीं किए गए, और डिजिटलाइजेशन के दौर में इस बार इस किताब को पब्लिश नहीं किया गया, बकायदा उसे एक फॉर्मेट के साथ डिजिटली रिलीज किया गया और तमाम जो सांसद हैं उनके पास उन्हें भेजा गया, उनकी वेबसाइट से टैग किया गया। यह पूरी प्रक्रिया थी और इस पर आज हंगामा हुआ। विपक्ष ने कहा कि सरकार नहीं चाहती है कि उसकी निंदा हो, उसे भ्रष्ट या संवेदनहीन बताया जा सके। लोकसभा में शब्दों को असंसदीय घोषित करने और उन्हें कार्रवाई से हटने का अधिकार, हटाने का जो पूरा अधिकार है वो स्पीकर के पास होता है, लेकिन यहां विपक्ष ने यह जताने की पूरी कोशिश की कि यह काम सरकार ने कराया है ताकि विपक्ष की आवाज को खामोश किया जा सके। मीटिंग बुलाकर सबसे पूछ के चर्चा करके उसके बाद निर्णय लेना चाहिए, उसके बजाय वो जो एग्जिस्टिंग अब हमारे पास किताब है शब्दों का कैसा प्रयोग करना, क्या करना, उसको छोड़ के अगर करना चाहते हैं तो ये ठीक नहीं है। हम उठाएंगे, बार बार बोलते रहेंगे, वो बार बार निकालते रहेंगे, देखेंगे। तो लोकसभा में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया उस पे कौन से शब्द असंसदीय हैं, इसको लेकर आज जितना बवाल हुआ और जिस तरह से झूठ फैलाया गया वो कड़ी तो आपने देख लिया, समझ लिया, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई का वो दूसरा हिस्सा, उस सच का दूसरा जो वो सच है, उसे आपको समझना अब चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोकसभा की कार्रवाई से असंसदीय शब्दों को बैन करने का पूरा सच क्या है, ये अब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको संसद में दिए गए भाषणों के कुछ हिस्से सुनाते हैं। ये वही भाषण है जिनमें कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए थे जो बाद में असंसदीय बताकर रिकॉर्ड से हटाए गए, क्योंकि ये शब्द असंसदीय की कैटेगरी में रखे जा चुके हैं, इसलिए हमने इन्हें बीप कर दिया है। What is going on? What is going on? This is terrible. और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? You don't have to reply to him. सर बात भी ना करने दे। आप एड्रेस कीजिए शहर को। भी ना बैठे। आप शहर को लाइट घोड़ दीजिए हम लोगों का। आप लोगों को बुरे दिन आएंगे। I You are not being courageous. You're a The truly brave came in droves from villages wielding nothing but the belief that their cause is just. They were prepared. One speaker. राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण होता है वो सरकार की नीतियां और सरकार के कार्य माननीय राष्ट्रपति जी दोनों सदनों के सामने रखते हैं। अब सरकार भले ही जुमला जीवी सरकार हो या भाषण जीवी सरकार हो, माननीय राष्ट्रपति जी को सरकार के लिखे हुए भाषण को वहां पढ़ना है। जिस प्रकार से द्रौपदी का राज्यसभा के अंदर धृतराष्ट्र के सामने हुआ था, आज इस सभा के अंदर संविधान का हो रहा है माननीय। जिस तरह से कृषि ये किसानों विरोधी कानून का भारतीय किसान संघ भी उसका विरोध कर रही है, ट्रेड यूनियन में भारतीय मजदूर संघ विरोध कर रहा है, लगता है मोदी जी को अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंध ज्यादा नहीं रखना है। किस अहम और अहंकार में डूबे मैं नहीं जानता। इतना अहंकार क्यों आपको? ये अहंकार किसी को आगे जाने में रुकावट पैदा करते हैं प्रधानमंत्री जी। अहंकार मानवता की क्षति करते हैं। क्या देश में चुनाव ही नहीं होने चाहिए? कल यही भी बिल ले आओगे कि देश में चुनाव नहीं होंगे, पुतिन की तरह 2036 तक मोदी रहेगा, हैं? ये कुछ ये फेडरल स्ट्रक्चर कह रहे हैं आप किसको? मैडम मीनाक्षी जी, आप कह रहे हैं फेडरल स्ट्रक्चर से हमारा देश नहीं चलता, तो कब? आप मुझे बता दीजिए, तानाशाही से चलेगा क्या? तानाशाही से चलेगा क्या? आप वकील हो इसका मतलब ये नहीं है। आप वकील हो इसका मतलब ये नहीं है। इतनी देर मीनाक्षी जी घंटी के बाद बोली थी, वो तो दे दीजिए। इनको क्या हो रहा है? आप दिल्ली को तानाशाही तरीके से लाट साहब के डंडे से चलाना चाहते हो, चिल्लाते हो, वही बात अच्छे से बोलो, लग रहा है कि लाठी मार कर रहे हो, और उसे नहीं बोला जाता है ना।
इन शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया संसद में वो किस संदर्भ में था उसे ध्यान में रखा गया और उस संदर्भ को ध्यान में रखकर उन्हें असंसदीय सूची में डाला गया, इसलिए हमने भी उन्हें बीप करके आपके सामने रखा और उन शब्दों को ही दरअसल रिकॉर्ड से हटाया गया है। और यही पूरी प्रक्रिया हुई जिस पर आज इस तरह से झूठ परोसा गया जैसे मानो कि अब इन शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं होगा। और ये प्रक्रिया मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि 1954 से लगातार ऐसी प्रक्रिया होती आई और उसके बाद अब इस प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर से विपक्ष खेमाबंदी करना शुरू कर चुका था। अब इस मामले का सच भी जान लीजिए क्योंकि संसदीय कार्रवाई में असंसदीय माने गए शब्दों को हटाने की एक प्रक्रिया है और ऐसे शब्द सदन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किए जाते हैं। लोकसभा सचिवालय वर्ष 1954 से 2009 तक ऐसे शब्दों को बुकलेट के रूप में प्रकाशित करता था, जो अभी लगभग 1100 पन्नों का वो बुकलेट है 2009 तक का, जो असंसदीय मानकर कार्रवाई से हटाए गए। और ऐसे शब्दों की पूरी डिक्शनरी है जो करीब 1100 पन्नों की है जैसा कि मैंने जिक्र किया और इन नए शब्द इसमें जुड़ते रहते हैं। जी न्यूज से खास बातचीत में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने स्पष्ट किया कि इन शब्दों को एक विशेष संदर्भ में असंसदीय घोषित किया जाता है और संसद में किसी भी शब्द के बोलने पर बैन नहीं है, उसे असंसदीय ठहराना इस पर निर्भर करता है कि वो किस संदर्भ में किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो शब्द अब लोकसभा राज्यसभा और किसी विधानसभा में बोला ही नहीं जा सकता। सदस्यों को संसदीय मर्यादा के अनुकूल अपनी बात कहने की पूरी आजादी हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि देश में भ्रम की स्थिति नहीं होना चाहिए। किसी शब्दों को बैन नहीं किया है और किसी सरकार भी बैन नहीं करती है। मैं डिबेट और चर्चा में सुन रहा हूं कि इस सरकार ने बैन कर दिया, उस सरकार ने बैन कर दिया, चाहे राज्यों की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सभी राज्य की विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा एक स्वतंत्र स्वतः निकाय है जिन पर सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं होता। और मैं मानता हूं कि सभी राज्य विधानसभा इसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चलती है, संसद में इस प्रक्रियाओं से चलती है। ये कोई आज नहीं निकाले गए और शायद आप देखेंगे इस असंसदीय शब्द की इतनी बड़ी डिक्शनरी है, शायद मुझे लगता है कि अगर वो इस डिक्शनरी को पूरा पढ़ लेते तो देश की जनता में भ्रमित प्रचार न करते। फ्यूचर के फ्यूचर में कोई अगर मानो इस्तेमाल करता है किस संदर्भ में करता है, मानो वो संदर्भ जैसे उन्होंने कहा कि आदिवासियों की अगर अच्छाई के लिए संदर्भ करता है तो आदिवासी बैन थोड़ी हो गया। संदर्भ क्या है, किस संदर्भ में बोलना चाहता है। देश की जनता भी ये चाहती है कि संसद के अंदर मर्यादा से चर्चा हो, संवाद हो। एक तो ये क्लियर होना चाहिए, जो बार बार में धार्मिक प्रचार किया जा रहा है ना कि सरकार ने प्रतिबंध कर दिया है, सरकार कभी भी लोकसभा को निर्देश नहीं करती और सरकार किसी शब्दों को प्रतिबंध नहीं कर सकती। ये तो भारत के संविधान में है, संविधान में लिखा है कि उनको बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति है, ये अधिकार उनको दिया गया है। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आपने सुना, उनके इंटरव्यू से चार बातें बिल्कुल स्पष्ट है। पहली, सदन के अंदर किसी भी शब्द के बोलने पर पाबंदी नहीं है, लेकिन आज हंगामा इसको लेकर भी हुआ। दूसरी, शब्द उनके संदर्भ के आधार पर असंसदीय घोषित होते हैं, जैसा कि हम बार बार आपको समझा रहे हैं किस संदर्भ में कोई स्टेटमेंट कोट किया गया, दरअसल उस पर मुख्य बिंदु होता है, उसी पर सारे फोकस होते हैं और उसी हिसाब से उन शब्दों को चुनकर डिलीट किया जाता है या फिर उस सूची में डाला जाता है। तीसरी, असंसदीय घोषित किए गए शब्द पर कार्रवाई नहीं होती है। और चौथी, स्पीकर के निर्णय में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है, ये कार्रवाई सदन की है और यहां पर स्पीकर की कार्रवाई, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। और अवंत में आपको इस पूरे विषय का दिलचस्प पहलू भी आपको बता दें कि जिन शब्दों को असंसदीय बताने पर कांग्रेस शोर मचा रही है, विपक्ष हंगामा कर रहा है, आलोचना करने की आजादी का हनन बताया जा रहा है, उन शब्दों को राजस्थान और छत्तीसगढ़ की विधानसभाओं में भी असंसदीय ठहराया गया है और इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, उसी की पार्टी का चुना हुआ स्पीकर है। और उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आप संतुष्ट होंगे और अफवाह और खबर में
अंतर भी आप कर पा रहे होंगे।